गुरुजी प्रणाम। प्रणाम। मैं नीरज कानपुर से। जी गुरुजी, मेरी एक अनुभूति है। जी। समुद्र से चमचमाता हुआ दूध सा पहाड़ देखा मैंने, इसके विषय में जानना चाहूँगा बस। समुद्र से चमचमाता हुआ, चमकता हुआ पहाड़। अच्छा, चमकता हुआ पहाड़। दूध से मतलब दूधिया है वो, उसकी आकृति। कितना बड़ा पहाड़ है, हर एक का अर्थ बताऊंगा तो बहुत लंबा हो जाएगा। नहीं, कब अनुभूति हुई थी ये आपके शक्तिपात के? हाँ तो पूरा बोलो थोड़ा, दो शब्दों में। अगले दिन हुआ था शक्तिपात के। अच्छा, शक्तिपात उसी, हाँ उसी दौरान हुआ था। बाकी अनुभूतियाँ कई हुई लेकिन ये थोड़ा सा मेरे नहीं समझ में आया। ये अनुभूतियाँ नहीं कहते, इसे अनुभव कहते हैं। जो आपने ये दृश्य देखना यानी अनुभव, अनुभूतियाँ यानी शरीर में जो महसूस हो, दिखाई ना दे महसूस हो, उसे अनुभूति कहते हैं। ठीक है, तो आपको अनुभव आया, या मतलब ये कहें कि मुझे अनुभव आया कि समुद्र में चमचमाता हुआ पहाड़ कितना ऊंचा है वो। मुझे निकलता हुआ देखा और कुछ ऊंचाई तक आया। अच्छा, कैसे निर्णय किया कि? अच्छा, स्पष्ट दिख रहा था। हाँ, दिख रहा है, दिख रहा है बिल्कुल। कहाँ कहाँ से आए हुए आप? कानपुर से। क्या काम करते हैं आप? प्रोफेशनल मेरा मेडिकल का है। कितनी देर आप साधना करते हैं? गत पहले तो मैं 4-4 घंटे करता था, इधर 2 साल से गैप हो गया, फिर अभी 2-3 घंटे करता हूँ। मेडिकल क्या मतलब, दुकान है क्या है? जी। इसके अलावा और कौन से अनुभव हैं? अनुभव सुना दें और दूसरे। गुरुजी अनुभव तो बहुत हुए, एक अनुभव देखा कि जब, हाँ यहीं के, यहीं के, यहीं के, जब आप शक्तिपात करते हैं तो नाना चीज़ आप अपने अंदर समेट लेते हैं, यहाँ तक ये भी अनुभव हुआ हमको। क्या? कई सारी चीज़ें आपके हाथ में आ जाती हैं। हमारे हाथ? जी। और बहुत ही जैसे कीड़े मकोड़े या गंदगी, मतलब काले काले से कुछ चीज़ें थी, आप बिल्कुल समेट लेते हैं। जैसे मैं दोहराना चाहूँगा, जैसे हम लोग उसमें पिक्चरों वगैरह में देखते हैं हॉलीवुड में, वो काले काले से वो चीज़ें आप समेट लेते हुए मैंने देखा, पिक्चरों में दिखाया जाता है उस तरह का। अच्छा अच्छा, हमने कहा ये हॉलीवुड कहाँ है ये? और चमकता हुआ आपके पीछे हमने जिसको कहते हैं ओरा, वो देखा था जिस समय आप परापगति अप्रापगति पहली बार आप बोले थे कुछ क्षण के लिए। क्या परा अपरा? जिस समय आप हमें समझा रहे थे ना सुबह शक्तिपात के अगले टाइम में, कि सारी चीज़ों को आपने मुझे बताया था गहन अध्ययन करके, कि जीव कैसे आता है धरती पे, उसका कैसे जन्म होता है, तब आपके पीछे हमने चमकता हुआ ओरा देखा था। चमकता हुआ और आभा मंडल बिल्कुल दूधिया सा। और इतने फिर भी बहुत आए, कोई अनुभूति यानी शरीर में कुछ महसूस होना? हाँ, शरीर में हुआ था महसूस, मैं कुछ क्षण के लिए बेहोश हो गया था यहीं पे। बेहोश हो गया? हाँ, कुछ क्षण के लिए हो गया था। वैसे जो आपके जो पहला अनुभव यानी अनुभव दिखाई दिया, कोई ऐसी चीज़ दिखी आपको आपके जीवन से संबंधित होगी? मुझे नहीं मालूम, पहाड़ एक अच्छी चीज़ नहीं, लेकिन वो चमकता हुआ दिख रहा है ये अच्छी चीज़ है। उदाहरण कि जैसे कोई अवरोध आने वाला है, रुकावट आने वाली है, परेशानी आने वाली है, उसी में उसी का क्या कहता है निराकरण छुपा हुआ दिखे, अथवा कि परेशानी आई और तुरंत चली गई। खैर, यहाँ पर आप बता रहे चमकता हुआ पहाड़ का दिखने का क्या मतलब होता? अवरोध आया उसे महसूस नहीं करेंगे, या और भी अर्थ कई तरह के निकल सकते हैं, या कोई ऐसा कार्य जो बहुत ही अच्छा बहुत बड़ी मात्रा में यानी हो, कई अर्थ निकलते चले जाएंगे। तो अब तो आप अपने जीवन में देखें कि क्या कर रहे हैं,
जीवन का तो उद्देश्य तो पहले भी था, आपसे मिल करके थोड़ा सा पॉजिटिविटी और हो गई है कि अच्छा। जो जी 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 बोलिए। हाँ, जो एक जीवन में जो हम लोग सांसारिक में करते रहे और आज जहाँ जब यहाँ आकर के समझा है तो लगा कि नहीं कुछ अब बेहतर करेंगे। लेकिन सफ़ेद होने के कारण लाभ भी हो सकता, मतलब हमें यहाँ हानि का विषय मतलब नहीं है क्योंकि उसमें चमचमाता हुआ कुल मिला के बुरा नहीं है, ठीक है, अच्छा ही निकलता। इसका प्रभाव भविष्य में पड़ेगा, अभी नहीं। जी गुरु जी, प्रणाम गुरु जी। प्रणाम। थैंक्स फॉर वॉचिंग। Remember to like, comment and subscribe.